मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मथुरा शहर के छाता कोतवाली के शेरगढ़ क्षेत्र में सेनवा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर नकली शराब बनाने वालों का भंडाफोड़ किया है, साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शेरगढ़ सेनवा गांव में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब की 692 बोतलें बरामद की हैं, साथ ही एक 315 बोर का कारतूस व एक पुनिया और नकली रैपर, खाली बोतलें, होलोग्राम, 5 गैलन स्प्रिट, ऐसे और भी नकली शराब बनाने के काम में आने वाले सामान जब्त किए हैं। पुलिस और थाना छाता पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया था, जिसमें अवैध शराब की फैक्ट्री होने की सूचना मुखबिर द्वारा मिल रही थी गांव सेनवा में, थाना शेरगढ़ में। और हमारी दोनों ही टीम, थाना छाता और थाना शेरगढ़ की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें एक फैक्ट्री पकड़ी गई है शराब बनाने की, जिसमें 692 अवैध नकली शराब के क्वार्टर मिले हैं, जो कि मस्ताना हरियाणा ब्रांड की है। और इसके अंदर 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें भूपेंद्र कल्ला और रमन कल्ला के घर पे ये फैक्ट्री थी गांव सेनवा में, और उसके पास से काफ़ी सामान मिला है, जिससे दारूबंदी थी। उसमें स्प्रिट हैं 3 कैन, उसमें हॉलमार्क हैं नकली, उसमें ढक्कन मिले हैं बहुत सारे, और एक कोनिया मिली है और 315 बोर के 3 कारतूस मिले हैं, नकली होलोग्राम हैं, नकली रैपर हैं, खाली बोतल हैं, और इसके अलावा एक हाइड्रोमीटर है, पैकिंग मशीन है। तो पूरी सामग्री उनके पास थी, जिससे वो दारू वहाँ बनाते थे और ये गोरख धंधा वहाँ पे चल रहा था। तो इसके अंदर जो पूरी टीम की, थाना छाता की, थाना शेरगढ़ की, इनकी कठिन परिश्रम से, इनके मेहनत से ये सफलता मिली है, और इससे अंकुश लगता है जिस तरह की जो फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं उनके हौसले पस्त होते हैं, और एक मैसेज जाता है अपराधियों में कि अब वो इस तरह की गतिविधियाँ चल नहीं पाएंगी। कि ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र कल्ला और रमन पर कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। ये तीनों सेनवा गांव के ही रहने वाले हैं, जो नकली शराब बनाने का कारोबार करते थे, मगर अब पुलिस ने इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।